भाई एक बार बताओ, आपने वैसे दिल्ली के अंदर बहुत राइड किया, अभी ड्राइव किया है, अभी आपने नई गाड़ी भी ली तो वो भी ड्राइव की, तो इंडिया में गाड़ी चलाना आसान है या फिर आपका सऊदी अरेबिया में जहाँ से आप अभी आए हो? लोगों पे हमें भरोसा है कि वो राइट जा रहे तो राइट जाएंगे, लेफ्ट जा रहे तो लेफ्ट जाएंगे। यहाँ से ट्रक निकल रहे हैं और हर्षित की दिल की धड़कन धक 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 धक। ये क्या है? ये क्या है? भाई कुछ भी करना दोस्तों के सामने ना, चिकन की बुराई मत करना। बस दुकान में आए हुए लगभग हो गया एक घंटा, पेमेंट सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक बॉक्स ओपन नहीं हुआ है। GoPro Hero 7 की बैटरी और चार्जर एंड अडैप्टर। कोई भी रोड ट्रिप शुरू करने से पहले खर्चा हो ही जाता भाई, है वो तो ठीक है, रोड ट्रिप तो शुरू हो रही है, पर अभी ये कैमरा कहाँ है हमारा? तो GoPro लिया है, कैमरा भी आएगा क्योंकि हमारे भाई साहब दुबई से आए तो कैमरा दिलाना बनता है। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम, माय नेम इज हर्षित, माय नेम इज जावेद और आप देख रहे हैं राइडिंग विद सी। कोई भी कैमरा खरीदने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से चेकअप कर लूँ, हर एक वैरायटी चेक कर लूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए और माइंड में लास्ट में ना एक वो ना रह जाए छोटा सा कि यार मैं वो वाला भी कैमरा ले सकता था। फिलहाल आज जो यहाँ से शॉपिंग की जा रही है ये मेरे लिए नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कैनन 200D यूज़ करें और कैनन M50 खरीदना आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट है, लेकिन अब अपना जो अपग्रेडेशन होगा वो सोनी में होगा बहुत जल्द। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं पैनासोनिक का कौन सा है, G85। तो पैनासोनिक का G85 चेक किया है जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया बता रहे हैं और 4K रिकॉर्डिंग में 30 फ्रेम पर सेकंड अवेलेबल है, लेकिन वो क्रॉप नहीं करेगा वीडियो जैसे अपना कैनन 200D जो मार्क 2 है ये क्रॉप कर देता है। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है और उसके बाद अपनी 200D की भी चेक करेंगे। जावेद भाई टेक टू। अच्छा टेक टू लिया जाए दोबारा, तो पूरा पैकेज लिया जा रहा है क्योंकि हमारे जावेद भाई आए कैमरा लेने के लिए तो हीरो 7 दिला दिया है। वैसे 9 क्यों नहीं ले रहे हो? 9 लेंगे बाद में, थोड़ा बाद में अपग्रेड करेंगे इसके बाद। क्या अभी, 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 अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है ना। तुम क्या कहते हो? अभी हमारा टाइम भी आएगा धीरे धीरे करके, हमें भी अपग्रेड करेंगे। जायदाद के पेपरों पे साइन करा लिया, अभी हो जाए हमारी। बाय द वे बिल बन के आया था तो रिसीविंग देनी ज़रूरी थी क्योंकि भैया फिर देख कर पैक करेंगे और पैक करने के बाद हम लोग निकलेंगे दूसरे वाली शॉप के ऊपर। लेट हो रहा भाई, जल्दी कर लो यार, 10 बार फोन आ चुके हैं भैया के। भाई जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? पेमेंट कैसे सर आपका? लाइट ऑन करो। ओके तो दुकान में आए हुए लगभग हो गया एक घंटा, पेमेंट सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, रीजन क्या है उसका? एक्चुअली क्या हुआ कि पेटीएम से पेमेंट की हमने, पहले जावेद भाई ने की, फिर उसके बाद उनका एक्सीड हो गया लिमिट तो फिर हर्षित ने अपने पेटीएम से किया। दो बारी में एक बारी की पेमेंट उनको शो कर रहा है और दूसरी बारी की पेमेंट शो नहीं कर रहा है, चक्कर में आप वेट कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। अपने पास से सक्सेसफुली दिखा रहे हैं बट उनको रिसीव हुई नहीं है, तो अब जब तक पेमेंट होगा नहीं तब तक आप कर रहे हैं। चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। Oh, 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 oh
क्या मंगाया आज? चाप है भाई, वेज पक्का। हाँ पक्का, क्या होता है इसमें यार, चाप है पक्का। तो काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमेशा नॉन वेज खाते रहते हो, तो आज हमने कुछ वेज ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं सोयाबीन चाप मलाई। यार ये क्या मंगाया भाई? मैंने नहीं मंगाया भाई, आते आपने बोला चिकन खाऊंगा मैं। क्या मंगाया ये? रारा चिकन। कर देना तुमने वही वाली बात। मैं बताता हूँ सैम भाई को हमने कुछ और बताया और हमने कुछ और ऑर्डर दिया है। वो बोलते ना, हम लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चिकन से दूर रह नहीं पा रहे। इस चक्कर में हमने क्या किया, पूरे स्पीति ट्रिप में ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर हमने चिकन टेस्ट ना किया हो। तो चलो आज भी इसको टेस्ट कर ही लेते हैं। ने बोला है आज वेज खाएंगे। भाई कुछ भी करना दोस्तों के सामने ना, चिकन की बुराई मत करना बस। भाई देख लो, इन्होंने बोला था कि आज मैं चिकन नहीं खाऊंगा, तो आप सबके लिए आज हम इनको चिकन नहीं खिलाएंगे। नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा बस नाम के लिए चिकन नहीं, ओनली ग्रेवी है, चिकन नहीं है। ये तो ओनो कर दिया। तो भैया यही होता है जब यार दोस्त मिल जाते हैं ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। वैसे क्या टाइम हो रहा है अभी? टाइम पे सैम भाई बज रहे हैं 1:40। ओ भाई साहब 1:40 हो गया, और हम लोग कितने बजे पहुंचे थे लगभग 10:30। तो बातचीत होती रही, बाकी सेटअप भी करते रहे, चक्कर में बच गए दो। अब जा रहे हैं जावेद भाई को छोड़ने के लिए हम लोग इनके होटल, लेकिन वो बोलते ना गाड़ी हमारा भाई चलाएगा। बिल्कुल पक्का इंश्योरेंस है? हाँ। मेरा नहीं है बस। नहीं, गाड़ी कौन सी है? इको स्पोर्ट है ना? इको स्पोर्ट हमारी, इको ही स्पोर्ट है। तो भैया बैठ गए गाड़ी के अंदर, चले भाई। चलो पक्का, डर तो नहीं लग रहा? नहीं डर लग रहा, अभी आपने चलाया भी नहीं है आपने। मेरे को लग रहा है हम 100 किलोमीटर अभी गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं चला था, लेकिन हमने लिया एक ब्रेक, आइसक्रीम ब्रेक। तो आइसक्रीम ब्रेक के बाद अब जावेद भाई ड्राइव कर रहे हैं। तो जावेद भाई एक बार बताओ, आपने वैसे दिल्ली के अंदर बहुत राइड की है, अभी ड्राइव किया है, अभी आपने नई गाड़ी भी ली तो वो भी ड्राइव की, तो इंडिया में गाड़ी चलाना आसान है या फिर आपका सऊदी अरेबिया में जहाँ से आप अभी आए हो? सच बोलो या झूठ? सच बताओ भाई, सच सच, हमारी जो जनता है सच ही सुनेगी। रास्ते का भी ध्यान रखना, सही रास्ते जा रहे हैं ना। गाड़ी की अगर बात करें तो भाई सऊदी दुबई कतर गल्फ कंट्री में चलाना बहुत आसान है। मालूम है क्यों? क्यों? वहाँ के लोगों पे हमें भरोसा है कि वो राइट जा रहे तो राइट जाएंगे, लेफ्ट जा रहे तो लेफ्ट जाएंगे। यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है भाई। अभी हो गया, अभी हो गया तो भाई रात खाली रोड पड़ी एकदम से, रोड पे स्कूटी चला रहा है ये तो अभी भाई मैं ड्राइव कर रहा हूं। ये सच है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। और हर्षित की दिल की धड़कन धक 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 धक, एक बार आ गया। ये तो ठीक है, थोड़ा छोटा है वो, वक्त करना बहुत गैप है। तो भैया सही सलामत हम लोग पहुंच गए करोल बाग पे, क्योंकि वो सही सलामत वाले की जरूरत थी बोलने। अच्छा मेरे साथ आप पहली बार बैठे हो? हाँ, और अच्छा। मैं हर्षित की गाड़ी में भी पहली बार बैठा हूँ। तो गाड़ी पे आपको भरोसा नहीं था क्या जो आप इसे बोल रहे? नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं। तो ये तो हो गया जोक सा पार्ट, लेकिन अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, तो जावेद भाई को करते हैं अलविदा। अब एक दो दिन बाद मिलेंगे। तो फटाफट ओके जावेद भाई, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, अभी थोड़ा सा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, ट्रक आ रहा है, हो गया खत्म।
सो फाइनली हम लोग घर आ गए। ये है दूसरा दिन और कल रात को लेट हो गए, पहुँचते सुबह के 4 बज गए और घर पे आने के बाद आपको पता है मम्मी से फिर डांट पड़ी। फिलहाल ये तो होते रहता है, दोस्त जब मिलते हैं तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है और वक्त का पता नहीं चलता। अभी एक वही वाली प्रॉब्लम हो गई जो कल कंटिन्यू थी अपने साथ, मतलब जो पेमेंट कर दी थी वो पेमेंट अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। एक 31,000 की भी ट्रांजेक्शन की थी वो भी अभी स्टक हो गया। अब वो बोल रहे कि जो 31 आपने किए थे वो भी अब हमें शो नहीं कर रहा है, तो अब गड़बड़ हो चुकी है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। हमारी तरफ से बैंक से पैसे कट चुके हैं और हमारे पास स्टेटमेंट भी आ चुकी है, तो हमने उसको दिखाया बट वो फिर वही वाली बात हो गई कि जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तब तक समझ ही सकते हो आप। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग कैमरे वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं और आपके पास बजट है तो ख़रीद लेना, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट जितनी भी वैरायटी, मतलब जितने भी बेसिक कैमरेज हैं और ये ख़त्म हो गए हैं। कल हमने बहुत सारे कैमरे ट्राई करने की कोशिश की थी और मैंने भी डील ली थी, अगर मेरे को कल अपना 7C मिल जाता तो मैं उसको बाय कर लेता कल, लेकिन समझ सकते हो आप कि अभी स्टॉक में माल नहीं है। तो जिसको भी जहाँ भी जो भी डील मिल रही है तो वो ले ले, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कब आएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी फिर देखते हैं जो भी अपडेट होता है मैं आपको अगले व्लॉग में देता हूँ कि पेमेंट का क्या हुआ और बिल्ली ने फिर से नुकसान कर दिया बहुत तगड़ा वाला। जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता है, तो इसीलिए बोलते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी एक अच्छी वाली राइड शुरू होने वाली है, बस DOP की हाँ बोलने की बची हुई है बारी। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ धमाके वाली खबर के साथ। टिल देन गुड बाय।